तो आज का सीन कुछ इस प्रकार है कि आज नीति का बर्थडे है बर्थडे नहीं है मतलब नीति का रिजल्ट आया है बिल्कुल लेटर लेटेस्ट, और नीति ने पास कर लिया है अपना एग्ज़ाम। किस चीज़ का एग्ज़ाम है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन आज हो सकता है कि आज नीति हमें एक बहुत ही बेहतरीन सी पार्टी दे और उस पार्टी में हम बहुत धमाल करें। कुछ ऐसा सीन है क्या नीति, पार्टी वगैरह कोई सीन है? पास नहीं है लेकिन पार्टी पापा देंगे। कोई भी दे, हमें तो पार्टी लेने से मतलब है और इस वीडियो को स्टार्ट करने से मतलब है। Hey, what's up everybody, तुम लोगों का सागर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोचा था सुबह सुबह व्लॉग करूंगा लेकिन फॉर सम रीज़न मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था। कि एक तो सबसे पहला रीज़न कि यहाँ पे ना रोड पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं और वो जो है नहीं पास में शॉप जो कहते हैं लोहे काटने वाली, वो जो चलता रहता है उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा रीज़न था कि मेरा जो फ़ोन है ये थोड़ा सा हैंग वैंग हो रहा है, तो इस वजह से सुबह मैंने व्लॉग नहीं किया। अब स्टार्ट किया, सोचा कि कुछ आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन अभी अभी यहाँ पे एक अंकल आए हैं जो देसी दवाइयाँ बेच रहे हैं और आप सुन सकते हैं मतलब कैसी आवाज़ आ रही है वहाँ से। सीन कुछ ऐसा है यहाँ का कि लोग खाना बनाना देखते हैं, ये देखो ये खाते हुए देख रहे हैं और सबके मुंह में पानी भरा हुआ है, मतलब एकदम से ऐसा हो रखा है जैसे नदियाँ बह रही हो, बादल बादल फट गया हो मुंह के अंदर ही, बाढ़ आ रखी है ब्लू गंदी वाली है और सब कथा ऐसे बैठे हैं जैसे अभी ये मुंह में तुम्हारे डाल के देगी है खाना। अरे खाती भी तो बहुत सारा है ये एक ही बारी में, ये देखना ये पूरा एक ही बारी में तो जाएगी अभी ये हद होती है। ये है ईट विद बोकी, इसका चैनल का नाम है। और ये सीन क्या है कि कोरियन है और कोरियन में ना ऐसे खाना खाना मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। अभी भी इस मतलब लेडी के व्यू, लेडी है गर्ल है, गर्ल लग रही है मेरे को, तो व्यूज़ इसके आराम से मिलियंस में हैं। हैं क्या कह रहे हैं हमारे देखना, हमारे 20-25 मुश्किल से आते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और ये देखो ये सिर्फ खाने के पैसे हैं इनके पास। अरे ऐसे लोग इनको देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तू भी तो देख रहा है, मतलब मैं तो देख रहा हूँ क्योंकि तुम लोग देख रहे हो, सीधी सी बात। किसी ने लगाई है? मैंने नहीं लगाई, मम्मी ने बोला था, मम्मी को देखना था इसको, मम्मी ने बोला वो लड़की लगा जो खाना खाती है बहुत सारा खाना खाती है ये मतलब ये बेसिकली इसे लगाया गया है ताकि हमें बाहर का खाना खाना पड़े और हम जाके बाहर पार्टी करके आए और इसमें से कुछ खाएं, पहले पानी लाएंगे फिर खाएंगे, है ना भाई। अच्छा नीति, तूने बताया नहीं कि यार तू तेरा कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ है इस बारे में? मेरा योगा टीचर ट्रेनिंग का। अब वो पूरा हो चुका है? पूरा। उसके लिए बेस्ट विशेस, लेकिन साथ ही साथ एक बैड न्यूज कि हम लोग पार्टी करने नहीं जा पाएंगे, उसका रीजन हम फिर कभी आपको बताएंगे, है ना। आज पार्टी नहीं होगी, आज नीति योगा कर रही है यहाँ पे, मतलब नीति की योगा क्लास चलती है कि अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेगी तो सिखाएगी क्या, है ना, तो इसलिए अभी ये योगा कर रही है और हम इसको अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने इसको बीच में रोक दिया था कि आईफोन रखा हुआ है, कॉलर लगाया हुआ है, भाई साहब अमीर लोग, हम देखो हम सैमसंग चलाते हैं, ये आईफोन चलाते हैं, बड़े लोग बड़ी बातचीत। आई नो गाइस कि आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से जो व्लॉग्स हैं वो घर के अंदर ही बन रहे हैं, मतलब इस चार दीवारी में बन रहे हैं, इसके अलावा मैं बाहर कहीं जा नहीं रहा हूँ और बाहर जाता भी हूँ तो नॉर्मल बस एक राउंड लगा के आ जाता हूँ, तो इस वजह से थोड़े से बोरिंग से व्लॉग आपको लग रहे होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अभी जो आने वाले व्लॉग्स हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत कुछ प्लान पहले से करके बैठा हुआ हूँ मैं, बस ये है कि जो मैंने प्लान किया है वो होता है तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल तो मैं घर के अंदर भी काफ़ी सारा इंटरटेनमेंट ढूंढ लेता हूँ क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन दिखा नहीं पाता क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि ये मत डाल वो मत डाल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फनी सीन्स होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं। अगर आपको मेरे फैमिली व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये वाले व्लॉग्स भी डाला कर, अगर नहीं तो मैं फिर डेली व्लॉग ना करके इसको सेपरेटली थोड़ा थोड़ा बीच में फैमिली व्लॉग्स, फिर कभी बाहर गया वहाँ के व्लॉग्स, मतलब ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगा जैसे मैं पहले बना रहा था। यहाँ पे मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, नहीं आ रहा तो वो भी बता दीजिए। आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के अलावा इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।